अब इसको हमें जाते हैं। हेलो भैया, क्या हाल चाल है? छोटो घालो बड़ो राम राम और स्वागत है आपका एक और चमचमाती हुई वीडियो में। तो भाई आज के लिए स्पेशल ये है कि आज हम i20 को देखने जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड को परचेज करनी है तो उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। अब वो सामने आ रहा है, आप देख रहे हो। इसी के साथ बैठ के जाते हैं i20 शोरूम में, हुंडई में, और देखते हैं कैसी है i20। इसी को i20 लेनी है। तो भाई बता, i20 के कौन से शोरूम में जा रहे हैं हम? अभी हम जा रहे हैं यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल में ना, चल ठीक है भाई, अपने बुलेट में चलते हैं। चलो फिर आपको शोरूम में मिलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। पहले देखते हैं ओवरव्यू क्या है, प्राइसिंग वगैरह देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई ये हम पहुँच गए हैं यूनिटी वन, इसकी बैक साइड ये है मेट्रो रोहिणी वेस्ट के पास पड़ता है। तो बाइक को लगाया पार्किंग के बाद चलते हैं अंदर फटाफट से। तो भाई एंट्री तो कर ली है, एक बार चलते हैं शोरूम के अंदर और दिखाते हैं आपको i20, ऑल न्यू i20। 2020 i20 आई है भाई, काफ़ी ओवररेटेड गाड़ी है, अब देखते हैं कैसी है। ये हमारा हुंडई यूनिटी हुंडई, चलिए एंट्री करते हैं इसमें। ये हमारी ओन न्यू i20, जिसके बाद सिनेमेटिक शॉट्स आप सभी को दिखा देता हूँ मैं। भाई ये है आपकी ओन न्यू i20 जो कि इलीट हट गया है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। साइड मिरर्स ORPMs बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखने में, और साथ में हैंडल्स और क्रोम गार्निश बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। साइड में टायर्स का प्रोफाइल देखा जाए तो R16 16 इंच का टायर दिया गया है, प्रोफाइल आप चेक कर लेना। और डायमंड कट एलॉयज दिए गए हैं जो कि हुंडई हर बार देता है अपनी गाड़ियों में, और जो कि ब्यूटीफुल लगते हैं। टेल लाइट्स की बात की जाए तो टेल लाइट्स भी अच्छी जगह प्लेस की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल जेड डिज़ाइन लग रहा है i20 की बैजिंग। और एस्टा, ये एस्टा ऑप्शनल है, ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये एस्टा मॉडल है हुंडई की बैजिंग, और आपको ऊपर दिया गया है शार्क फिन एंटीना। एस्टा टॉप मॉडल है ऑप्शनल ये, जो कि ड्यूअल टोन में भी आता है। इसके बाद बात की जाए तो ये है आपकी सनरूफ, जिसका काफ़ी डिमांड थी। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी है हमारी i20। तो भाई ये है इंटीरियर बिल्कुल ब्लैक, मेरे को थोड़ा मिसिंग है यार, इसमें ड्यूअल टोन इंटीरियर देना चाहिए था। जो कि ये है आपके AC वेंट्स, और सामने है डिस्प्ले स्पीडोमीटर की, और ये है आपकी 10 इंच की बड़ी वाली डिस्प्ले जो कि काफ़ी डिमांड में थी। और सबसे बड़ी डिमांडेबल चीज़ थी आपकी सनरूफ, जो कि वो भी पूरी कर दी आपकी हुंडई ने। और इसके बाद बात की जाए और गाड़ी के फीचर्स की, तो इसमें DCT ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन में आई है, आपको मैंने पहले ही बताया था। ये देखिए रेस एंड ब्रेक वाली गाड़ी है ये, जो कि चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत इजी होएगी। तो मैं एक बार चलता हूँ उनके गोदाम में, मतलब तो मैं चलता हूँ एक बार पार्किंग में इनके यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ, इनको ऑन करके स्पीडोमीटर वगैरह आपको दिखा दूँगा, टच ऑन करके दिखा दूँगा। तो चलिए एक बार चलते हैं बाहर और इनके पार्किंग में जाके हुंडई वालों की देखते हैं कौन सी गाड़ी अवेलेबल है अभी स्पीडोमीटर दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो भाई एक बार बैक साइड पे बैठ के देख लेते हैं बैक साइड भी, और ये आपका इंटीरियर बैक साइड का। और मुझे लगता है लेग रूम काफ़ी अच्छा मिलेगा मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट 6 फीट है। यहाँ पे AC वेंट्स भी दिए गए हैं बैक साइड में भी, आप देख पा रहे हो। और ये दो लाइट दी गई हैं, एक फ्रंट में और एक बैक साइड में, और आपका बैक साइड मिरर। उसके बाद आपकी गाड़ी में स्पेस है, पीछे भी अच्छा खासा डिफोवर्स दिए गए हैं। और तो देखने में तो आपको देख पा रहे हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखने आया तो अभी दिखाते हैं इसको। इसका देखिए, इसकी हाइट 5'8" के आसपास है, तो प्रॉपरली बैठ पा रहा है, जो कि मेरी हाइट भी इतनी है। इग्निशन ऑन करके दिखा दे बोलो एक बार। चाबी तेरे पास है? तो एक बार आपको ना इसकी चाबी भी दिखाता हूँ। ये चाबी है भाई इसकी, टिपिकल हुंडई स्टाइल में काफ़ी अच्छी लग रही है। कीलेस है, ये कीलेस एंट्री है इसमें। अब इसको ऑन करके दिखाते हैं। ये आपका इग्निशन ऑन हो गया इसका, और आपको 10 इंच की जो डिस्प्ले है वो तो भाई उसकी बात ही अलग है, कहना क्या है।
ये आपका मैनुअल है, 6 गियर ट्रांसमिशन है, इसमें सनरूफ भी दी गई है, ये एस्टा ही है। और साथ में आपको दिखाऊं तो इसमें एम्बियंट लाइटिंग वगैरह भी दी गई है, आप देख सकते हो जैसे साइड में भी है, स्पेस काफ़ी अच्छा सारा है, यहाँ पे भी लाइट दी गई है एम्बियंट। और ये आपके सारे कंट्रोल्स हैं आप ही के हाथ में, और यहाँ पे एक आपको फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, इससे आप अपने फ़ोन को यहीं पर चार्ज भी कर पाओगे, जिसे वायरलेस चार्जिंग आप कहते हो। और एसी वेंट्स भाई बिल्कुल इंटीरियर जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया है Hyundai i20 का। अब i20 जो इलीट i20 आती थी उसमें से इलीट हटा के सिर्फ i20 हो गया है। ये आपका एयर प्यूरीफायर है कि एयर क्वालिटी को बढ़िया करेगा, एयर प्यूरीफायर लगाया गया है। तो भाई अब 12-13 लाख रुपए में इतना तो देना ही पड़ेगा इन्हें। आप देख सकते हो डिस्प्ले क्या कहने, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना अगर म्यूजिक की आवाज़ आप लोगों को सुननी है तो। एक बार बैक साइड से आपको दिखाता हूँ गाड़ी, एक बार बैक कैमरा ऑन करियो। तो भाई ये देख लो आप, बैक कैमरे का रिस्पांस काफी अच्छा है। इसमें R16 का टायर दिया गया जो कि आपको मैंने ऊपर भी दिखाया था। लाइट जाइए पीछे की लाइट जाइयो भाई, ये इसकी लाइटिंग है कुछ। Hyundai asta i20 मैनुअल वर्जन है ये। सनरूफ ओपन करिए ऊपर, तो भाई एक बार सनरूफ ओपन करके दिखा देते हैं आपको। तो ये हो गई सनरूफ, काफ़ी अच्छा सारा स्पेस है इसके अंदर, एक मोटा आदमी भी आराम से बैठ सकता है इसमें। तो ये हो गई भाई सनरूफ ओपन इलीट i20 की। कलर बहुत अच्छा है, 6 कलर्स में आती है ये। तो भाई ये बता तू लेगा नहीं लेगा इस गाड़ी को भाई? प्राइस वगैरह आपको मैं बता दूंगा। दिवाली की बुकिंग मिल रही है? दिवाली की बुकिंग है, दिवाली की बुकिंग है भाई। इसमें दिवाली की बुकिंग मिल रही है अभी, तो आप देख सकते हो कम से कम भी 15-20 दिन का गैप है, और काफ़ी वेटिंग में चल रही है गाड़ी क्योंकि इसका सालों साल वेट किया लोगों ने। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ कि स्पेस कितना है इसमें। तो भाई मेरी हाइट है 6 फुट, सभी जनता सारा देश जानता है, तो आप देख लीजिए मेरी हाइट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ, सब कुछ एक्यूरेट। बस एक चीज एक्यूरेट नहीं है वो है, और इसमें लाइटिंग का। तो भाई ये पूरा मैप वगैरह सब कुछ दिखा रहा आपको, इसकी सनरूफ पीछे भी आपको लाइटिंग दी गई है, तो स्पेस की तो कोई कमी नहीं है। आर्म रेस्ट भी प्रॉपर प्लेस किया गया है आप देख सकते हो, और ये खोल के दिखाता हूँ आपको, अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर, मतलब लगा लो आप 2-3 फ़ोन रख सकते हो। और ये देखो आप इसका ब्यूटीफुल यार, मतलब ये तो चीज़ बेस्ट है, बेस्ट इन क्लास कहो तो आप Hyundai i20 ही है। ये ग्रे कलर है, एक्यूरेट नाम नहीं पता मुझे, और एक ये आपका पोलर वाइट कलर है, ये इससे नीचे वाला मॉडल है, ये आपको दिखा देता हूँ कौन सा है, बैक साइड से पता चलेगा, मुझे लग रहा है ये मैगना है, स्पोर्ट्स मॉडल है भाई i20 का ये। इसके जो भी आपके स्पेसिफिकेशंस होंगे जितने भी होंगे मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगी एक्यूरेट i20 की। तो भाई पीछे से फ्रंट ग्रिल पूरी चेंज कर दी है, मतलब टोटली डिफरेंट कार आई है पहले के मुकाबले, देख सकते हो आप। और पीछे देखो तो भाई स्पोर्ट्स मॉडल भी काफ़ी अच्छा है इसका, इसमें बस आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, और इंडिकेटर्स आपको यहीं पे मिलेंगे प्लेस हुए पे बढ़िया जगह, और बेस्ट इन क्लास गाड़ी भाई। अब बूट स्पेस देख लो आप इसका, लाइट दी गई है साथ में बूट स्पेस में, और काफ़ी स्पेशियस है, बलेनोस के बराबर ही है लगभग, उससे थोड़ा सा कम है, ज़्यादा उससे ज़्यादा, बट बलेनो से तो भाई कंपेयर कर दो इससे 2000 गुना बढ़िया है ये। सब कुछ इसमें एक्यूरेट तरीके से दिया गया है, इसके डायमंड कट एलॉय है जो सबसे बेस्ट आपका आपको इम्प्रेस करेंगे। तो बताइए आप,
तो भाई तुझे क्या लगा इसे इंप्रेसिव? मुझे तो उसका ना भाई इंटीरियर मस्त लगा, मीटर वगैरह इंटीरियर हो गया प्लस इसका मीटर, डिजिटल मीटर जिसे हम कहते हैं, हाँ वो फर्स्ट क्लास होता है। वही तो बॉडी, मतलब एक एक चीज़ बढ़िया तरह प्लेस की गई है इसमें। कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पाएगा बट आप देखोगे तो यहाँ पे भी i20 मेंशन है और इसमें डायमंड का टोमो, मतलब सब कुछ क्रोम वगैरह सब कुछ एक्यूरेट तरीके से दिया गया है। ये मैनुअल में है और जो आपको मैंने ऊपर दिखाई थी वो DCT में है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। तो भाई ये लाइट देख लो आप, इसकी बहुत अच्छी तरह प्लेस की गई है, DRLs वगैरह सब कुछ प्रॉपर फिनिशिंग है। ये देख लो आप, ये आपके फोग लैंप और ये और अच्छा बहुत अच्छा करियो पर। तो भाई रिस्पॉन्स देख लो आप, रोड प्रेजेंस बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेगी आपको। तो भाई इसकी डिलीवरी आएगी दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास। एस्टा टॉप मॉडल है ये मैनुअल में, ऑटोमेटिक वाला मैंने आपको DCT ऊपर दिखाई दिया था। इसके प्राइस वगैरह आपको मैं सीधे चिपका दूंगा कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट में। और ये देखो यार ब्यूटीफुल, हाँ क्रोम गार्निश वगैरह सब कुछ अच्छी तरह प्लेस किया गया है। ये थी हमारी i20 की वीडियो, सिर्फ मतलब इन्होंने ब्राउचर भी हमें उस पर करा व्हाट्सएप पे, ब्राउचर के पास है ना कुछ भी नहीं है, मतलब अभी इतनी डिमांड में है ये कार, आप पूछो मत। नहीं कोविड के चक्कर में उन्होंने मतलब पैम्पलेट छपाई कि मतलब टच होगा दूसरे बंदे छेड़ेंगे उसकी, हाँ वो ओरिजिन भी एक हो सकता है। और ओवरऑल गाड़ी मुझे अच्छी लगी, लेकिन मेरी अच्छी से कम अच्छी है भाई, अपनी चीज़ सबको प्यार लगती है ठीक है। और वैल्यू फॉर मनी नहीं कह सकते क्योंकि ओवर प्राइज्ड है, 1-1 लाख रुपये हर वेरियंट पर महंगा किया इन्होंने। 8 लाख का मैगना है जो कि पहले 7-1 लाख के आसपास आता था और 13 लाख तक जाता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एस्टा का। तो ये थोड़ा सा मानता हूँ कि इसमें आप 3-4 लाख डाल के उसमें क्रेटा यूज़ कर सकते हैं। यार 13 लाख की है और 2 लाख रुपये मिला गया क्रेटा का, आपको SX वर्जन मिल जाएगा जिसमें कि पैनोरोमिक सनरूफ होगा, इससे बड़ी सनरूफ होगी तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। i20 तो डन है ही अपनी, और चले अपने घर चलते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर देना क्योंकि वही हमारा सबसे पहली अपडेट्स हमें वहीं पे मिलती है। अपनी बाइक निकाल रहे हैं और चल रहे हैं अपने घर पे फटाफट से। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के दोस्तों इतना ही, जय हिंद जय भारत।